मेरे ख्याल में बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया उसके ऊपर। अल्ताफ हमारा पुराना मुलाजिम है, माशाल्लाह समझदार है, वफादार है, वो संभाल लेगा वहाँ सब कुछ। शहबाज अब कराची में रहेगा। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। है ना, वैसे भी अब उसे वक्त कहाँ मिलेगा शादी के बाद, अब पहले की तरह वो मशीन की तरह काम तो नहीं कर सकता ना। हाँ, तुमने बात की उससे शादी की दोबारा? कहाँ, मौका ही नहीं मिला। अरे कल छुट्टी है, कल घर पे ही होगा, मुझसे कह रहा था मैं रेस्ट करूंगा, कल कर लेना याद से। ठीक है, मैं कर लूंगी। चलो शुक्र उसको रेस्ट करने का ख्याल तो आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत जल्दी आ गए तुम लोग। बस बाबा फंक्शन इतना बोर था। अच्छा, सारा मूड ही खराब हो गया। तो किसका कसूर है? जनाब को मैंने इतना मना किया था कि नहीं जाते, लेकिन मुझे फोर्स करके ले गया बुक तो। नहीं बेटा, अच्छा किया, काम के साथ तफरी भी बहुत जरूरी है। जी दादी, बस अब समझिए कि फुर्सत ही फुर्सत है मेरे पास, सब तफरी करेंगे हम। इस्लामाबाद ऑफिस अब मैं नहीं संभालूंगा, कोई और देख लेगा, मैं यहीं रहूंगा कराची में आप लोगों के पास। हाँ, अयाज ने बताया, ये तो बड़ा अच्छा फैसला है, काम के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। वाकई देखें तो कितनी सेहत खराब हो गई मेरे बच्चे की, रंग कैसा हल्का पड़ गया है, ना खाने का होश है ना सोने का होश है। अब अपने लाडले बेटे से फुर्सत मिल गई हो तो इस गरीब की भी कोई सुन ले। भूख लगी है यार मुझे। हाँ भाई, खाना लगवाओ ना जल्दी। बाबा भूख तो लगेगी ना इसको, वहाँ जब खाना खुला है मैंने कहा खा लो, कहा मैं बोर हो गया अब नहीं खाऊंगा। अरे अरे, यार क्या कर रही हो, कहाँ लगी, कहाँ लगी है, क्या हुआ है बेटा, कहाँ लगी है, क्या हुआ है, क्या इस वाले पे चला करो ना, लगता है सीरियस केस हो गया। उठो तो देखो 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 ध्यान, आराम से आराम से दोबारा क्या कयामत आ गई है। हारिस, हारिस बाहर देखो कौन है इतनी जल्दी में, दरवाजा खोलो। रात को कौन है, मैं देखता हूँ। सामान बाहर है। अम्मी कहाँ है? बताया तो था मैंने आपको, अभी तक नहीं आई। नहीं, अगर उनको पता होता आप आ रही। पानी लेकर आओ, जल्दी आ जाती वो। जब फोन करो फोन बंद होता है, कैसे बताओगे? ये कहाँ पर रखो? सर पे तो नहीं रखोगे मेरे, कमरे में रखोगे ना। आप ठीक हैं? आप परेशान लग रहे हैं। मैं क्यों परेशान हूँ, थकी हूँ, भूख लगी है, खाने में क्या है लेकर आऊँ? मैं रोटी बना देती हूँ, आलू बनाए। आलू दाल के अलावा कुछ बनता है इस घर में? मैं बस यही कर सकती थी, इस महीने दोबारा उन्होंने राशन नहीं डलवाया और मेरे पास इतने ही पैसे थे कि आलू बना लूँ। अब खाएंगी आप? लेक्चर तो नहीं सुनूंगी ना मैं तुम्हारे, खाने को लाओ।